तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्शन। तो गाइस आज की तो वीडियो बहुत मजेदार करने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ टर्की वर्सेस ईरान मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2023। तो बहुत ही लेटेस्ट वीडियो है ये, अभी चल के देखते हैं तभी पता चल पाएगा कौन सी कंट्री कितना आगे है। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। ओ ईरान वर्सेस टर्की। अच्छा टोटल लैंड एरिया, ओ ईरान का काफी ज्यादा है, मतलब डबल है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कड़े पे टर्की का कम है, कोस्ट लाइन टर्की की ज्यादा है। ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रिपब्लिक ऑफ टर्की, तुर्की है मतलब लिखा है तुर्की। हाँ लैंग्वेज टर्किस, लपश। कैपिटल सिटी तेहरान। अंकारा, अंकारा अच्छा। कंट्री पॉपुलेशन, थोड़ी सी ईरान की ज़्यादा है बस, बाकी दोनों की आलमोस्ट सेम ही है, इतनी कोई डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन में। हाँ मिलिट्री एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों को दिखाएंगे। एक्टिव पर्सनल, ओ 5,75,000। रिजर्व भी मतलब, ओ एक्टिव में तो भाई ईरान आगे निकल गया, रिजर्व में भी ईरान आगे निकल गया, पैरा मिलिट्री में भाई टर्की आगे निकल गया। डिफेंस बजट भी टर्की का ज़्यादा है। लैंड अटैक पावर, बैटल टाइम्स काफ़ी ज़्यादा है यार, 2,831। आर्मर्ड व्हीकल भी काफ़ी ज़्यादा है ईरान के पास, ओ टैंक काफ़ी ज़्यादा, ओ टर्की के पास भाई आर्मर्ड व्हीकल बहुत ही ज़्यादा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कम थी टर्की के पास। फाइटर जेट 197, ओ ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा है ईरान के पास। हेलीकॉप्टर्स, ओ भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्पेशल मिशन, अच्छा ये अटैक अटैक नहीं है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट और ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट नहीं है और ये अटैक वाला भी नहीं है टर्की के पास, लेकिन बाकी ऐसे ज़्यादा थे। हाँ टोटल असिस्ट, एयरक्राफ्ट के लिए 0, हेलीकॉप्टर के लिए 0, डिस्ट्रॉयर 0, फ्रिगेट 7, ओ टॉर्पेडोस 3, सबमरीन्स 90, ओ नहीं थे भाई। पेट्रोल 66, माइन वॉरफेयर 1, इधर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट 16। टर्की के पास ज़्यादा काफ़ी है, पेट्रोल यूसेस कम है टर्की के पास। एयरपोर्ट्स, ओ 398, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो गई एंड आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत अच्छा कंपैरिजन का, बहुत ही कमाल का कंपैरिजन था, तो छोटी सी वीडियो थी 3 मिनट की, लेकिन स्टार्टिंग एरिया से होती तो नो डाउट एरिया के मामले में ईरान का एरिया काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस था टर्की से, लेकिन कोस्ट लाइन टर्की की ज़्यादा थी। हालांकि पॉपुलेशन की दिखा जाए तो पॉपुलेशन नो डाउट टर्की और ईरान के एकदम ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है क्योंकि उसका 17 रैंक है, उसका 18 रैंक है, तो एक ही रैंक का डिफरेंस है। लेकिन हाँ इसमें अगर GDP का भी दिखा दें तो जो बहुत ही अच्छा लगता है, उससे और भी क्लियर होता कि कौन सी कंट्री मतलब इकोनॉमी वाइज स्ट्रॉन्ग है टर्की या ईरान। वैसे भी मुझे लगता है इकोनॉमी वाइज ईरान स्ट्रॉन्ग है, ईरान के GDP काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 1 ट्रिलियन के ऊपर, अभी टर्की तो 1 ट्रिलियन पर पहुँचा भी नहीं है। और फिर मतलब टैंक्स वैसे दिखाते हैं तो ईरान के पास भी काफ़ी ज़्यादा टैंक्स है, टर्की के पास भी काफ़ी ज़्यादा टैंक्स हैं। एक्टिव और रिजर्व में तो भाई ईरान आगे निकल गया, ईरान के पास एक्टिव रिजर्व बहुत ज़्यादा, पैरा मिलिट्री में फिर टर्की आगे निकल गया था, बाकी आर्मड व्हीकल ये सब चीज़ें तो भाई टर्की के पास बहुत ज़्यादा है। और एयरपोर्ट का मुझे तो सबसे ज़्यादा शौकीन लगा था एयरपोर्ट का यार, एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ईरान में, मुझे लगा टर्की में ज़्यादा होंगे, टूरिस्ट टर्की वैसे बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन यार एयरपोर्ट काफ़ी कम है टर्की में, भी 100 भी नहीं हो पाए हैं उसके, तो 300 प्लस है ईरान के पास एयरपोर्ट। तो बाकी तो यार बड़ी कमाल की वीडियो लगी, बहुत अच्छे है कंपैरिजन लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।